भाई हिंदू राष्ट्र बनाना अपने घर में बना, अपने बच्चों को बना, हम पे लादने की जरूरत नहीं है। अगर मैं गीता पढ़ भी लूं, रामायण पढ़ भी लूं, क्या मुझे कोई पंडित लगा लेगा? अरे शर्म करो कि महिलाओं के सामने नंगे नाच रहे हो। कौन सा भारत बना रहे हो? नंगों का भारत बनाओगे क्या? अगर किसी को बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म तो सच्चाई है, वो प्रकृति से जुड़ा हुआ एक धर्म है जिसमें कहते हैं निर्दोषों की हत्या नहीं करनी चाहिए, शराब जो है आप ना पीजिएगा, चोरी मत करिएगा, पराई स्त्री के साथ व्यभिचार नहीं करिएगा। जिस दिन इस चीज को फॉलो कर लिया जाएगा कि पराई स्त्री के साथ व्यभिचार ना करे, हमारी 50% जो महिलाएं हैं उनके घर आबाद रहेंगे। नहीं तो पति चोर, तो राखी सावंत ने भी इल्जाम लगा दिया है कि यहाँ पर इतनी सारी महिलाएं हैं जो पति चोर हैं, ये पति चोरी रुक जाएगी और हमारा जो साम्राज्य है वो भी तहस नहस इसी वजह से होता है, शराब में और शबाब में। चाहे हमारे पहले राजा थे और चाहे आप नेता लगा लो, इनको शराब और शबाब में डुबो देते हैं और हमारे 85% के हकों को लुटवाते हैं ये लोग। भारत का संविधान रहते हुए अगर लोग खुले मंचों से ये कह रहे हैं कि हम इस संविधान को नहीं मानते, हम हिंदू राष्ट्र मानते हैं अपने आप को, तो आपको नहीं लगता कि वो वायलेशन कर रहे हैं? बिल्कुल, जो संविधान नहीं मानता है वो भारतीय नहीं है, सबसे पहले तो सिद्ध कर रहा है। जो ये कह रहा है कि मैं संविधान नहीं मानूंगा, वो तो सिर्फ भारत को छोड़ के ही चला जाए, ठीक है। दूसरी बात है हिंदू राष्ट्र की, भाई हिंदू राष्ट्र बनाना अपने घर में बना, अपने बच्चों को बना, हम पे लादने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि पासपोर्ट वो लोग बना लें जिन्हें हिंदू राष्ट्र स्वीकार नहीं है। नहीं, हम कैसे पासपोर्ट बना लें? हमारे बाप दादाओं की जमीन है, हमारे पूर्वजों की जमीन है, 85% ने इसको अपनी लहू से सींचा है, देश हमारा, और हम कैसे पासपोर्ट बना लें? जो बाहर से आए वो पासपोर्ट बनवाए ना, जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं वो पासपोर्ट बनवाए। हमारा भारत है, आप मुझे कह दोगे कि पाकिस्तानी है, मैं कहाँ से पाकिस्तानी हो गया? आप कह दोगे ईरानी है, मैं कहाँ से ईरानी हो गई? मैं ना ईरानी हूँ ना पाकिस्तानी हूँ, भारत की हूँ, भारत की रहूंगी, ये मेरा देश है, और इस देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो लड़ाई करेगा वो देशद्रोही है, वो राष्ट्रद्रोही है, और इसको यहाँ से भाग जाना चाहिए। हिंदू राष्ट्र से आपको? हिंदू राष्ट्र में वर्ण व्यवस्था, महिलाओं को तो कहते हैं ताड़न की अधिकारी है। लेकिन तो, गीता प्रेस ने तो अभी ताड़न का शब्द शिक्षा देना कर दिया है। देखिए, गीता प्रेस ने तो इतनी धांधलेबाजी मचा रखी है। गीता प्रेस अगर इतनी सच्ची होती तो वो संविधान घर घर पहुंचा देती। तुम जो है सड़कों पे गीता को थोपने पे लगे हुए हो, रामायण को थोपने पे लगे हो, किसी दिन संविधान की भी प्रतियां बांट के देख लो ना। तो आपने धर्म का प्रचार करना कौन सा अपराध है? वो ठीक, वो तो अपना उनकी आस्था है, अगर रामचरितमानस या गीता पर तो वो प्रचार कर रहे हैं। देखिए, धर्म जो है किसी को फोर्सफुली या प्रचार जो है ना, वो आप सबसे पहले देश चलता है संविधान से, सबसे पहले संविधान का प्रचार होना चाहिए। किसी भी स्कूल में अगर जाते हैं, मैं कहूँ जी धर्म पहले पढ़ाएंगे और साइंस मैथ्स ये बाद में पढ़ाएंगे, तो आप कहोगे नहीं जी नहीं, हमारे बच्चे का तो सबसे पहले ये कीर्तन वीर्तन नहीं पढ़ाओ, हमारे बच्चे को वो चीज़ पढ़ाओ जिससे से नौकरी मिल जाए। अगर मैं गीता पढ़ भी लूँ, रामायण पढ़ भी लूँ, क्या मुझे कोई पंडित लगा लेगा? मुझे पंडित नहीं लगाएगा, तो मैं पढ़ के भी भूखी मरूंगी। तो मुझे तो ज्ञान आपको देखिए, उस ज्ञान का क्या फ़ायदा जिसमें मैं भूखी मर रही हूँ? कैमरे लिए खड़े हो आप, माइक लिए खड़े हो, चश्मा लगा रखा है और कोट पैंट पहन रखा है, ये सारी मशीनों से बन रहे हैं, यानी साइंस। किसकी ज़रूरत है साइंस की? मैं बोल रही हूँ तो मैंने किताबों से पढ़ा, किताबें किससे छपी? मशीनों से छपी, फिर वो साइंस से आ गई। मैं खेती कर रही हूँ तब किसे साइंस चाहिए? तो हर चीज़ में साइंस चाहिए, तो धर्म कहाँ से आ गया? धर्म तो उनको चाहिए जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। धर्म के बिना उद्धार नहीं है आदमी का। देखिए, हमारा तो उद्धार जो है शुरू से लेकर आखिर तक, हमने मेहनत करी है, शिक्षा ली है, और कमेरा वर्ग है, कमेरा कमाई के की है, पैसे है हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास संविधान है, हमें सब कुछ मिल रहा है। और अगर मैं धर्म की बात करूंगी तो धर्म की तो बात यही होगी जैसे रामनाथ कोविंद जी की, जो देश के प्रथम नागरिक होते हुए भी मंदिर से निकाल दिए गए। धीरेन्द्र शास्त्री तो देखिए, मीडिया जिसके साथ में है, वो 25-26 साल का लड़का, उसको सारे उसके चरणों में लेट रहे हैं। कितना दुरुपयोग जो है मीडिया का हो रहा है। और जो गुरु ज्ञान देता है, ट्रेनिंग देता है, उसकी कोई प्रचार इसमें नहीं होता है, सिर्फ नकली बाबाएं। एक तो मेरे को, मैंने कल वीडियो देखी, नंगे जो है बाबा, अरे शर्म करो कि महिलाओं के सामने नंगे नाच रहे हो। कौन सा भारत बना रहे हो? नंगों का भारत बनाओगे क्या?
है? नंगों का कि तुम भी नंगे और हम भी नंगे, तुम भी नंगे नाच रहे हो, चलो तुम भी नंगे हो जाओ। हमें ऐसी धर्म गाथा नहीं चाहिए, हमें ऐसी चीजें नहीं चाहिए। और अगर धीरेन्द्र शास्त्री इतना ही वो बन रहा है, हमें बता देना कहाँ कौन सा दुश्मन छुपा बैठा है, हम जाके पुलिस वाले जो है, हमारे सिपाही जो है उस पर धराशाही कर दे। हैं, इतने पुलवामा अटैक हो रहा है, कहीं कुछ कोई सा अटैक हो रहा है, अटैक होना बंद हो जाए। अगर ज्यादा जादूगरी जानता है, कल एक पंडित की बात आई, कहता जी उसका बेटा ना क्रैश में होके मर गया। मैं कहा बताओ भाई, पंडित का बेटा पोता क्रैश होके मर गया हवाई जहाज, बताओ उसने उसकी कुंडली नहीं बनाई क्या? है, पता कर लेता कि मेरे बेटे का क्रैश होने वाला है तो उसको मिस कर देता। तो कौन सा चमत्कार माने, जो उन्हीं पर नहीं चल रहा वो चमत्कार माने क्या हम लोग? देखिए धीरेन्द्र शास्त्री संत और उसके भाई को ही नहीं संभाल पाया, वो आतंकवादी। बताओ मैं अगर तलवार उठा लूं, मैं कहूं भाई मैं तो मौर्य साम्राज्य की हूं और हमारे पूर्वजों ने तो तलवार उठाना सिखाया, तो ये हमें आतंकवादी कह देते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने सिर्फ यही कहा कि भाई 85% को गाली दी हुई है, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उस पर तो फरसा लेके संत खड़ा हो जाता है। 25 लाख की जो है ना फिरौती लगा देता कि भाई जो इसका गर्दन कटवा के, एक तो संत हो आप तो किसी को मारने की तो बात ही नहीं कर सकते, दूसरा संत के पास इतना रुपया आया कैसे? ईडी के छापे तो वहीं लग जाने चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े छोटी सी उम्र में इतने इतने किलों में जो है अपना वो जगह बनाई हुई है, और उसके एक वीडियो वायरल हुए, देखो मुर्खे मूर्ख इकट्ठे हो गए हैं। तो हम भोले भाले लोगों को ये मूर्ख कह रहे हैं, इन्हें ये नहीं पता 85 जिस दिन ये मूर्ख जिस दिन जाग गया, ये मूर्ख नहीं है, इसके इतिहास को मिटाया गया है। राजवाला जी आप शिक्षिका भी रही हैं और आपको अच्छा अनुभव है कि आपने छात्रों के बीच भी रहकर काम किया, क्या लगता है जो शिक्षा व्यवस्था है उसमें कुछ कमी है कि 85-15 तो हम लोग बहुत दिन से सुन रहे हैं? देखिए शिक्षा में कमी ही कमी है। 2015 से पहले मैं पढ़ भी गई, मैंने MSc भी कर ली, BEd भी कर लिया और मैं टीचिंग भी मुझे 19 साल हो गए थे। संविधान मुझे पता ही नहीं था क्या होता है, संविधान कभी हमें पढ़ाया ही नहीं गया, सावित्री बाई फुले कौन होती है मुझे तो बताया ही नहीं गया, बाबा साहब अम्बेडकर कौन है हमें तो पता ही नहीं था। तो शिक्षा में तो कोई भी किताब ऐसी नहीं दी है, उसमें तो मनगढ़ंत कहानियाँ, बच्चों को मोरल स्टोरी में सिर्फ कहानियाँ पढ़ा देते हैं कि भाई ऐसा होना चाहिए, तुम्हें दान करना चाहिए। मैंने पढ़ा अपनी किताब में हिंदी की कि ढोल गवार शूद्र और नारी ये ताड़न के अधिकारी। मैं सोचूं ये नारी ताड़न के अधिकारी, ये कैसे हो गया? मेरे को जची नहीं बातें कुछ, इसीलिए मैंने हिंदी ली नहीं, मैंने साइंस सब्जेक्ट चुना कि ऐसी अटपटी सी बातें इनमें लिखी हैं तो मुझे जो है साइंस लेनी चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि जाति पंडित ने बनाई है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए बनाई तो जो वर्ग है ब्राह्मण वर्ग, जिसने अपने आप को ऊंचा रखा है इस भारत को, 85% को नीच कहा इन्होंने, अज्ञानी कहा, और खुद को कहा कि मैं तो भाई बिल्कुल जो है ना धर्म का ज्ञाता हूँ, भगवान के घर से भेजा हुआ हूँ, तो एक जो है डिस्टेंस उसने बना लिया, मैं तुम्हारा गुरु हूँ, मैं ही मेरे में ही संस्कार है और मैं तुम्हें जो है शिक्षित करूँगा, और इस 85 ने मान लिया, जिसकी वजह से ये आज तक हमें गुलामी बना रहा है। और ये बिल्कुल सच्चा है कि सारे पंडित ही ब्राह्मण, सारे पंडित ब्राह्मण हैं, तो ब्राह्मण ने बनाया या पंडित ने बनाया, बात एक ही है। देखिए ये 85 भारत की धरती ऐसी है, ये भारत की धरती किसी का शोषण करना नहीं जानती है, ये 85% किसी का शोषण करना नहीं जानता है। लेकिन अगर धोखे से, अब वो संत राजू दास वो बनता तो संत है लेकिन वो फिरौती दे रहा है मरवाने की, तो वो संत नहीं है। ऐसे धोखेबाज को पहचानना हमारा कर्तव्य बनता है। तो अगर हम धोखेबाज को पहचान लें, अब सोशल मीडिया है उससे हमें पता चल रहा है कि राजू दास संत नहीं है, वो एक जो है हत्यारा है, वो फिरौती दे सकता है, इसीलिए मुझे उसके पास नहीं जाना चाहिए। पहले ये मीडिया हमारे पास नहीं थी, हमें असली नकली का पता नहीं चलता था। और आज स्वामी प्रसाद मौर्य जी पे भी जो है फरसा लेके ये जो है संत महात्मा जो खड़े हुए हैं, ऐसे ढोंगी संत महात्माओं को जवाब देने के लिए मैं तो खुद स्वामी प्रसाद मौर्य से अपील करने आई हूँ कि मुझे भी तलवार थमा दो। माथा यानी ब्राह्मण, ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है ना, तो मुख कहाँ झुकता है? पैरों में झुकता है, और पैर इनकी व्यवस्था के कारण कहाँ से पैदा हुए हैं? शूद्र पैरों से। तो ये ब्राह्मण तो हमेशा शूद्रों के पैरों से, शूद्रों से के सामने झुकते हैं, तो जिस दिन हमने भी तलवार उठा ली तो ये खुद झुकने लग जाएंगे, सिद्ध कर देंगे कि हम जो है पैरों से, माथा जो है तुम्हारे आगे झुकता है।